Welcome to our channel, Concept Builders by Neeraj Kotadra. Do subscribe to our channel for latest videos. Hello friends, today's topic for discussion is Section 11UA of Income Tax Rules, that is Valuation of Unquoted Shares. So what is the purpose of this particular section? So we all know, how do you calculate capital gain on a particular sale of shares? You do what you do, you take sales consideration, you subtract cost of acquisition from it. If indexation is applicable, you index it, and whatever the difference comes, you put it on a capital gain tax. So here the act comes into play and it says that your sales consideration that you are going to record has to be more than or equal to the fair market value of the share. It should be greater than or equal to the FMV of the shares. So this is the first and the basic part of this particular section. Now this particular section only applies to valuation of equity shares. It does not apply to any other classes of shares. It only applies to valuation of equity shares. So applicability, dekhte, applicability has been defined under two sections. First is Rule 11UA1. So Rule 11UA1. This particular rule talks about applicability in case of Section 56 of Income Tax Act to determine the fair value of the property other than immovable properties. So immovable property ko chhod kar kahin pe bhi aapka shares ka transaction ho raha hai, uski valuation determine karne ke liye agar aapko chahiye to aapko 11UA1 ka application dekhna padega. Second kya bolta hai, where Rule 11UA2 is applicable in case of Section 56(2)(7)(b), that is shares issued by a company at a premium. So ab aaiye दोनों सेक्शन को अलग से इन डिटेल्स पढ़ते हैं कि व्हाट डज दिस टू सेक्शन वांट्स टू टेल यू. सेक्शन 11UA1 पहले देखते हैं. 11UA1 कैसे क्या डिफाइन करता है? 11UA1 बोलता है कि आपको अगर वैल्यूएशन ऑफ ज्वेलरी करनी है तो आप किस तरीके से करोगे. वैल्यू ऑफ आर्कोलॉजिकल कलेक्शन, ड्रॉइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर्स का करना है तो आप किस तरह से करोगे. तो एक एक करके दोनों को समझते हैं पहले, फिर पॉइंट नंबर सी और डी पे जाएंगे. सो ज्वेलरी को वैल्यू करने के लिए क्या बोलता है वो, द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द ज्वेलरी शैल बी एस्टिमेटेड टू द प्राइस विच सच ज्वेलरी वुड फेच इफ सोल्ड इन द ओपन मार्केट ऑन द वैल्यूएशन डेट. तो ये कैलकुलेट करने का जरिया उन्होंने क्या बताया कि अगर आपने परचेस किया है किसी रजिस्टर्ड डीलर से तो आपका एफएमवी हो जाएगा योर इनवॉइस वैल्यू. अगर आपने कोई रजिस्टर्ड डीलर से परचेज नहीं किया है या फिर तो आपको कोई और मोड से ज्वेलरी मिली है, देन द वैल्यू ऑफ ज्वेलरी इफ इट एक्सीड्स 50,000, अगर 50,000 के ऊपर की ज्वेलरी है, देन एसएससी मे ऑब्टेन, यहां पे ध्यान रखिएगा, एसएससी मे ऑब्टेन द रिपोर्ट ऑफ रजिस्टर्ड वैल्यूअर इन रिस्पेक्ट ऑफ प्राइस इट वुड फेच इफ सोल्ड इन द ओपन मार्केट ऑन द वैल्यूएशन डेट. अब देखते हैं आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्रॉइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर्स और वर्क ऑफ आर्ट, इसको हम लोग कॉम्पोजिटली आर्टिस्टिक वर्क बोलेंगे, इसका वैल्यूएशन कैसे होता है. इसका वैल्यूएशन भी एग्जैक्टली सेम तरीके से होगा जिस तरह से ज्वेलरी का वैल्यूएशन होता है. अगर आपको आपने किसी रजिस्टर्ड डीलर से खरीदा है, रजिस्टर्ड डीलर से खरीदा है तो आप उसकी इनवॉइस वैल्यू ले लेंगे. अगर आपने रजिस्टर्ड डीलर से नहीं खरीदा है और आपको कोई और अदर मोड से मिला है और अगर उसकी वैल्यू इज ग्रेटर देन 50K, देन एसएससी मे ऑब्टेन द रिपोर्ट फ्रॉम अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्राइस इट वुड फेच इफ सोल्ड इन द ओपन मार्केट ऑन द वैल्यूएशन डेट. सो इसमें आपने दो चीज समझा कि अगर आपका रजिस्टर्ड डीलर है तो एफएमवी आपका हो जाएगा इनवॉइस वैल्यू, अगर रजिस्टर्ड डीलर नहीं है या फिर तो और कोई तरीके से आपने परचेस किया है एंड आपके एसेट की वैल्यू 50K के ऊपर जा रही है तब आपको वैल्यूएशन रिपोर्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा, विच इज नॉट मैंडेटरी, विच इज रिकमेंडेटरी इन नेचर, एंड वैल्यूएशन रिपोर्ट शुड गिव अ सजेस्टिव वैल्यू
if that particular asset is sold in the open market on the valuation date. सी पॉइंट नंबर में आते हैं. सी पॉइंट बोलता है वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज. सो जनरली शेयर्स एंड सिक्योरिटीज को हम लोग दो चीज में क्लासिफाई कर सकते हैं. एक होता है कोटेड शेयर्स, एक होता है अनकोटेड शेयर्स. सो पहले लेट्स डिस्कस कोटेड शेयर्स का केस में हम लोग क्या करेंगे. कोटेड शेयर का केसेस में हम लोग करेंगे, अगर मेरा कोटेड शेयर है जिसका ट्रांजेक्शन हुआ है एक रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में, तब मैं फेयर वैल्यू ऑफ सच एसेट ले लूंगा विच विल बी ऑन द रिकॉर्ड ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज. मतलब अगर मैंने आज से फॉर एग्जाम्पल मैंने एनएससी या बीएससी में कोई ट्रांजेक्शन किया, तो मैंने मेरे पास उस दिन का मार्केट वैल्यू होगा उस पर्टिकुलर शेयर का ट्रांजेक्शन का, तो मैं वो पर्टिकुलर मार्केट वैल्यू लेकर अपना ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लूंगा. मैं यहाँ पे और कोई माथा पिची नहीं करूंगा, कोई अलग वैल्यूएशन रूल अप्लाई नहीं करूंगा. आई विल जस्ट टेक कि मैंने जिस पर्टिकुलर एक्सचेंज में मेरा ये ट्रेड हुआ है उस एक्सचेंज में उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन का जो भी मार्केट वैल्यू था आई विल कंसिडर दैट इन केस ऑफ कोटेड शेयर्स. इन केस ऑफ कोटेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज आर रिसीव्ड बाय ट्रांजेक्शन कैरिड आउट अदर देन थ्रू एनी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज. मतलब आपने कोई दूसरे स्टॉक एक्सचेंज में ट्रांजेक्शन किया है विच इज नॉट अ रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, तब आप कैसे इस पर्टिकुलर सिक्योरिटीज को वैल्यू करेंगे. तब आप क्या करेंगे, आप पहले तो उस पर्टिकुलर सिक्योरिटी का लोएस्ट प्राइस, ओके लोएस्ट प्राइस फाइंड आउट करेंगे कोई भी और रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में. तो से फॉर एग्जांपल आपने ये ट्रांजेक्शन किया आउट ऑफ रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, बट एनएससी में ये बिक रहा था इस उस दिन का, जिस दिन आपने ट्रांजेक्शन किया उस दिन इसका लोएस्ट वॉल्यूम था रुपीज 100 का शेयर में बिक रहा था, ओके तो आप रुपीज 100 मान के उसका ट्रांजेक्शन को वैल्यू करेंगे. से फॉर एग्जाम्पल आपने जिस दिन ये ट्रांजेक्शन किया उस दिन एनएससी में कोई ट्रांजेक्शन हुआ ही नहीं, तब आप क्या करेंगे, आप उसके पहले इमीडिएटली वन डे प्रीसीडिंग टू वैल्यूएशन डेट व्हेन सच सिक्योरिटी वर ट्रेडेड ऑन सच अदर लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज, तो आप उस दिन का वैल्यू ले लेंगे. मतलब आपका ट्रांजेक्शन था 1/1/2021 को, बट उस दिन आपको कोई भी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में ये वाला सिक्योरिटीज का ट्रांजेक्शन नहीं मिला, तो आप चले जाएंगे 31 दिसंबर की डेट को और उस डेट पे देखेंगे आपको कोई पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है. उस दिन का जो लोएस्ट ट्रांजेक्शन होगा वो आप लोएस्ट ट्रांजेक्शन लेकर वैल्यूएशन कर देंगे. पॉइंट नंबर टू आता है, फेयर वैल्यू ऑफ द अनकोटेड शेयर शैल बी द वैल्यू ऑन द वैल्यूएशन डेट ऑफ सच ओन अनकोटेड शेयर एज डिटरमाइंड इन द फॉलोइंग मैनर. इसका एक बेसिक फॉर्मूला है जो हम लोग समझेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके सो पहले इसका फॉर्मूला समझते हैं और फिर हम और एक पॉइंट को कवर करेंगे. तो ये पर्टिकुलर फॉर्मूला क्या बोलता है, सबसे पहले आपको क्या निकालना है, बुक वैल्यू ऑफ ऑल द एसेट्स अदर देन ज्वेलरी, शेयर कैपिटल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी का बुक वैल्यू को छोड़कर आप सारा का पहले तो आप बुक वैल्यू लेंगे. तो मतलब आप सिंपल करेंगे, आपके बैलेंस शीट में ऑल एसेट्स माइनस एफएमवी ऑफ ज्वेलरीज, एफएमवी ऑफ आर्टिस्टिक गुड्स, एफएमवी ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज एंड आपका वैल्यू ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज आप ले लेंगे. इसमें से आप क्या क्या चीज रिड्यूस करेंगे, इसमें से आप नेट टैक्सेस को रिड्यूस कर देंगे, दैट इज टैक्सेस नेट ऑफ रिफंड्स. इसमें से आप अनअमोर्टाइज्ड अमाउंट ऑफ डिफर्ड एक्सपेंडिचर को भी रिड्यूस कर देंगे. तो इससे जो अमाउंट आएगी आप उसको यहाँ पे नोट कर लेंगे, इसको हम लोग ए बोलेंगे, दिस विल बी कॉल्ड एज ए. बी विल बी एफएमवी ऑफ ज्वेलरी एंड आर्टिस्टिक वर्क. एफएमवी ऑफ ज्वेलरी एंड आर्टिस्टिक वर्क कहाँ से आएगा, हमने यहाँ पे देखा कि इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करेंगे एफएमवी ऑफ ज्वेलरी एंड आर्टिस्टिक वर्क. सो वी हैव अंडरस्टूड दिस थिंग कि अगर रजिस्टर्ड डीलर है तो एफएमवी विल बी द इनवॉइस वैल्यू, अगर रजिस्टर्ड डीलर नहीं है या फिर तो और कोई तरीका से किया है और 50,000 के ऊपर है तो यू मे प्रोवाइड अ रिपोर्ट फ्रॉम अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर इन रिस्पेक्ट ऑफ प्राइस दैट इट वुड फेच इफ दिस पर्टिकुलर आइटम वॉज सोल्ड इन द ओपन मार्केट ऑन वैल्यूएशन डेट. ओके पॉइंट नंबर सी आते हैं, एफएमवी ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज. एफएमवी ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज क्या हमने सीखा, यहाँ पे अगर कोटेड शेयर है
और अगर आरएससी है मतलब एक रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज है, तो वो उसका जो भी आपका ट्रांजेक्शन प्राइस आया है आप वो ले लेंगे। अगर आरएससी नहीं है तो आप यहाँ पे खोजेंगे इसका कॉरेस्पॉन्डिंग और कोई आरएससी में ये पर्टिकुलर शेयर लिस्टेड है। अगर लिस्टेड मिल जाता है तो आप उसका जो लोअर शेयर का प्राइस होगा, जो लोअर प्राइस होगा उस पर्टिकुलर डेट पे, वैल्यूएशन के डेट पे आप वो लोअर प्राइस ले लेंगे। अगर वैल्यूएशन डेट पे कोई ट्रेडिंग नहीं हुआ है तो उसके प्रीसीडिंग डेट का आप ट्रेडिंग चेक करेंगे और वो पर्टिकुलर वैल्यू आप ले लेंगे। पॉइंट नंबर डी है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी आप ऐड कर देंगे। तो आप ये चारों को ऐड करेंगे तो इन अ वे आपकी टोटल एसेट की वैल्यू निकल जाएगी। तो एसेट की वैल्यू हो गई आपकी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अब आइए लाइबिलिटीज कैसे कैलकुलेट करते हैं, लाइबिलिटीज को देखते हैं। लाइबिलिटीज विल बी बुक वैल्यू ऑफ ऑल द लाइबिलिटीज, आपकी जितनी भी लाइबिलिटीज है दैट माइनस आपका पेड अप शेयर कैपिटल माइनस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस प्रोविजन फॉर टैक्सेस माइनस कंटिंजेंट लाइबिलिटीज माइनस प्रोविजन फॉर लाइबिलिटीज एंड माइनस प्रपोज डिविडेंड। अगर आपका डिविडेंड ऑलरेडी पेड है या फिर तो वो ऐसे है तो वो नहीं होगा, आपका जो प्रपोज डिविडेंड है वो यहां पे आ जाएगा। ओके, यहां पे ये प्रोविजन फॉर लाइबिलिटीज स्लैश एक्सपेंसेस जो भी आपके होंगे वो यहां पे आ जाते हैं। उसके बाद आपको क्या और डिटरमाइन करना है, आपको पीवी द पेड अप वैल्यू ऑफ द शेयर्स ऑफ सच इक्विटी शेयर्स। सच इक्विटी शेयर मतलब जो आप इक्विटी शेयर बेच रहे हो वो कितने शेयर्स है वो यहां पे आ जाएंगे। जैसे आप 100 इक्विटी शेयर बेच रहे हो और आपकी कंपनी में टोटल 1000 शेयर है और आपका ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी माइनस एल का वैल्यू आता है से फॉर एग्जाम्पल 2 लाख, तो आपका ये पर्टिकुलर एफएमवी क्या होगा, तो 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 1000। तो आपका यहां पे एफएमवी आ जाएगा 21234, 20,000 विल बिकम योर एफएमवी। ओके, सो दिस इज द वे फॉर्मूला फॉर दिस पर्टिकुलर कैलकुलेशन वर्क्स। ओके, अब आते हैं, समझते हैं सेक्शन 11UA2 क्या बोलता है। सेक्शन 11UA2 टॉक्स अबाउट कि जो भी सिक्योरिटीज 56(2) सबसेक्शन 7B में क्लासिफाई होती है उसमें हम लोग किस तरह से टैक्सेशन करेंगे। तो आइए देखते हैं व्हाट डज दिस पर्टिकुलर सेक्शन टॉक्स अबाउट 56(2)(7B। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। तो इस सेक्शन का मतलब क्या है ये देखते हैं। ये सेक्शन बोलता है जब किसी भी नॉन ऐसी कंपनी जहां पे पब्लिक आर नॉट सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड, दैट इज प्राइवेट कंपनी इन सिंपल वेज अगर मैं बोलूं तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, अगर वो कंसिडरेशन रिसीव करती है फॉर इश्यू ऑफ इधर ऑफ प्रिफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर फ्रॉम अ रेसिडेंट पर्सन एंड द कंसिडरेशन रिसीव्ड फॉर द इश्यू ऑफ शेयर्स एक्सीड्स द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स, दैट इज द शेयर्स आर इश्यूड एट अ प्रीमियम। ओके, तो इन दिस पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस यू विल हैव टू अप्लाई 11UA2। और देखते हैं इसको डिटेल्स में। इन द अबव कंडीशन, इफ द अबव कंडीशंस आर सेटिस्फाइड द एग्रीगेट कंसिडरेशन रिसीव्ड फॉर द सच शेयर्स एज एक्सीड्स द फेयर मार्केट वैल्यू शेल बी चार्जेबल टू इनकम टैक्स। तो सोचिए आपने इश्यू किया 100 रुपीज में, आपका एफएमवी आया 90 रुपीज का, तो आपने जो 10 रुपीज एक्स्ट्रा चार्ज किया है ये आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में क्लासिफाई हो जाएगा। अब इसमें दो एक्सेप्शंस दिए गए हैं। इसमें एक्सेप्शन दिया गया है वेयर द कंसिडरेशन ऑफ इश्यू ऑफ सच शेयर इज रिसीव्ड बाय अ वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग फ्रॉम अ वेंचर कैपिटल कंपनी और अ वेंचर कैपिटल फंड, वो एग्जेम्प्टेड है। उसके लिए आपको वेंचर कैपिटल का डेफिनेशन मिल जाएगा क्लॉज 23FB ऑफ सेक्शन 10 ऑफ द एक्ट में। सेकंड, वेयर द कंसिडरेशन ऑफ इश्यू ऑफ शेयर इज रिसीव्ड फ्रॉम अ कंपनी रिसीव्ड बाय अ कंपनी फ्रॉम अ क्लास और क्लास ऑफ पर्सन एज नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें फेयर वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, फेयर वैल्यू क्लासिफाई होगी एज पर द मेथड गिवन इन सेक्शन 11UA, आप उस तरह से क्लासिफाई कर सकते हो, और
as may be substantiated by the company to the satisfaction of a AO based on the value of its asset, including intangible asset being goodwill, know-how, patent, copyright, trademark, license, franchises, or any other business commercial rights of such similar nature. So, इसमें दो तरीके से हो सकता है. एक तो आपने 11 UA की तरह जो मेथड बनाई है उसमें क्या आती है, या फिर तो आप किस तरह से AO को सेटिस्फाई कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली कोई कैलकुलेशन करके. तो जिस उसमें भी दोनों में जो वैल्यू हायर आएगी, इन दोनों में A और B में जो भी वैल्यू हायर आएगी, आप वो पर्टिकुलर वैल्यू लोगे एंड उसको वहां पे दिखाओगे. सो 11UA2 क्या बोलता है, 11UA2 टॉक्स अबाउट टू मेथड्स. वन इज कैलकुलेशन ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ अनकोटेड शेयर एज पर द गिवन फॉर्मूला. इसका एक फॉर्मूला दिया हुआ गया है. अगर आप ये फॉर्मूला यूज नहीं करते हो तो आप डिस्काउंटेड कैश फ्लो यूज कर सकते हो. व्हाट इज डिस्काउंटेड कैश फ्लो, डिस्काउंटेड कैश फ्लो इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज. तो आप अपने फ्यूचर्स को प्रोजेक्ट करोगे, मिनिमम 5 साल के फ्यूचर कैश फ्लोज को प्रोजेक्ट करोगे एंड उसको आप करंट रेशियो पे डिवाइड करोगे, करंट आपका रिटर्न पे डिवाइड करोगे, आप अपनी प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे. आप इसका आपका रिटर्न का फॉर्मूला होगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी. आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपका देखोगे तो RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF हो जाएगा. ओके और आपको WACC, आप अगर पूरी फर्म का वैल्यूएशन कर रहे हो तो आपको WACC निकालना पड़ेगा. WACC का फॉर्मूला आपका हो जाएगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंटू वेट ऑफ इक्विटी प्लस कॉस्ट ऑफ डेट इंटू वेट ऑफ डेट. इस तरीके से आप आपका रिटर्न्स पीवी निकालने के लिए आपको जो रेट चाहिए वो आप WACC के द्वारा निकाल के आप यूज कर सकते हो. अगर आप डिस्काउंटेड फ्री कैश फ्लो मेथड यूज कर रहे हो तो यू हैव टू गेट अ वैल्यूएशन डन फ्रॉम अ मर्चेंट बैंकर ओनली. इसका पर्टिकुलर का फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला ये है कि अगर आपको यहाँ पे और कोई माइनस प्लस नहीं करना है, आपको सीधा सीधा बुक वैल्यू ऑफ द एसेट्स ले लेना है. ओके उसमें से आपको टैक्स को हटाना है, उसमें से आपको अमोर्टाइज्ड वैल्यू ऑफ डिफर्ड एक्सपेंडिचर को हटाना है, तो आपकी एक अमाउंट आ जाएगी जिसको हम लोग एसेट बोलते हैं. फिर हमें देखना है कि हमारी लायबिलिटीज क्या क्या है, हमारी लायबिलिटीज में से हमें क्या माइनस करना है. हमें माइनस करना है पेड अप शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, प्रोविजन फॉर टैक्सेस, कंटिंजेंट लायबिलिटीज के प्रोविजंस जो भी है, प्रोविजंस फॉर लायबिलिटीज एंड हमारा जो भी अनपेड डिविडेंड है. ये हमारा अनपेड डिविडेंड यहाँ पे आ जाएगा. पीवी हो गया हमारा पेड अप वैल्यू ऑफ द सच शेयर्स, जो सच शेयर्स मतलब जो शेयर्स हम लोग सेल कर रहे हैं वो पर्टिकुलर शेयर्स हो गए. एंड टोटल अमाउंट ऑफ मेरा शेयर कैपिटल, मेरा बैलेंस शीट में जो मेरा शेयर कैपिटल है वो. सो इन सिंपल टर्म्स ऑप्शन बी हमने ऑलरेडी समझ लिया कि वो आपका डिस्काउंटेड कैश फ्लो है और वो मर्चेंट बैंकर आपको वो देगा. ये अमेंडमेंट आई थी 24 मई 2018 से, तो कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट अब नहीं कर सकता इसको, ये मर्चेंट बैंकर ही दे सकता है. तो अब इसको अगर समराइज्ड फॉर्म में समझना है तो इसको हम लोग दो भाग में समझे हैं. अगर आपका रूल 11UA1C में आप फॉलो करते हो तो आपको एक मैथमेटिकल फॉर्मूला दिया गया है जिसके तहत आपको वैल्यूएशन करना है ऑफ अनकोटेड इक्विटी शेयर. प्लीज रिमेंबर इट इज वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर. अगर आपका वैल्यूएशन ऑफ नॉन इक्विटी शेयर्स है, मतलब आपका प्रिफरेंशियल शेयर्स है या और कोई क्लास ऑफ शेयर्स है, देन यू मे गेट अ वैल्यूएशन रिपोर्ट डन बाय अ मर्चेंट बैंकर और एन अकाउंटेंट, और आप उसको वहां पे लगा सकते हो. बट अगर आपका इक्विटी शेयर्स है तो आपको ये पर्टिकुलर जो फॉर्मूला दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली ही वैल्यूएशन करना है. ओके रूल 11UA2 में हमने क्या समझा, इफ एन असेसी चूजेस द वैल्यूएशन ऑफ अनकोटेड शेयर एज पर डिस्काउंटेड फ्री कैश फ्लो मेथड, देन ही हैज टू ऑब्टेन द रिपोर्ट फ्रॉम मर्चेंट बैंकर और एल्स ही हैज टू यूज द फॉर्मूला ऑफ बुक वैल्यू ऑफ एसेट माइनस लायबिलिटी. तो यहां पे खाली आपको ये देखना है इन दोनों सेक्शन में फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है. यहां पे एसेट को ब्रेकअप कर दिया गया है, एसेट को ब्रेक कर दिया गया है, अदर एसेट्स लिया है,
फिर यहाँ पे शेयर्स एंड सिक्योरिटीज लिया है, फिर आपका एफएमवी ऑफ ज्वेलरीज एंड आर्टिस्टिक वर्क ले लिया है, एंड आपका इमूवेबल प्रॉपर्टीज को अलग कर दिया है यहाँ पे। यहाँ पे उसको अलग नहीं किया गया है, नीचे वाले 11UA2 में उसको अलग नहीं किया गया है। 11UA2 एज वी अंडरस्टूड इट अप्लाइज ओनली ऑन 56(2)(7)(b) विच इज शेयर इश्यूड एट अ प्रीमियम। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर सेक्शन 11UA। होप आई हैव ट्राइड टू समराइज दिस इन मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्मेट फॉर योर वैल्यूएशन एग्जामिनेशन। This can be dealt in more details if you guys want, but that will be not relevant for your valuation exam purpose. So I have not got into too many details. Let's see how does it helps you. Please do like, share and subscribe to our channels. Thank you everyone.